तोड़ेंगे अपने इन लोग के लिए। चलो चलते हैं, थोड़ा वो दूसरे का उख हमारा उख नहीं है, उसको तोड़ते हैं हम लोग। और हम लोग सरवन तीनों लोग जाएंगे, उख को तोड़ेंगे और चूहेंगे। और क्या, इतना मीठा यहाँ का, हमारे गांव का गन्ना है, बहुत ज़्यादा मीठा है यार गाइस। चलो सर अलग, चलो तोड़ते हैं, चलो। अच्छा कैमरा पकड़ो, कौन तोड़ेगा उख? पहला उख सर अलग तोड़ेगा, तोड़े लो, चलो जाओ गन्ने का खेत में तोड़ो। अच्छा अच्छा देख के तोड़ो, पाँच छः तोड़ना है। अरे तोड़ो, एड्रेस तोड़ो यार, इसमें क्या है लोग बताइए। दही खा चुकी है गाइस, आप लोग को दिखाते हैं दही वाली। देखो वो वाला जो नहीं लगा वाइट वाइट, वही है। तो रुकिए हम तोड़ते हैं, चलो सामान पकड़ो, कैमरा पकड़ो और दिखाओ। अब ब्लॉगर अजीत जाएगा तोड़ने, उग जा रहा है दही वाले खेत में। जो अच्छा अच्छा चाहिए, नरम नरम चाहिए, नरम नरम उख। यही देखो, ये गाय ये पेड़ ही तोड़ रहा है, उख नहीं आ सही। थोड़ा बड़ा बड़ा तोड़ो, पेड़ ही मत तोड़ो। ये चूरी उख देखो ना सही। और हमारे चाचा जी दूर से देख चुके हैं और बोले हैं कि कारे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये नहीं जानते कि हम लोग उख गन्ना चोरी कर रहे हैं। देखो वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है पाइप के नीचे। और देखो ये कैमरा है, ये बेचारी का उख तोड़ा थे वो। देखो सरवन के पापा, हाँ। और देखो हमारे पापा अंकुर देख रहे हैं। और देखो ये बेचारी का उख टूट चुका है यहाँ पे। अब ये ब्लॉक शूट हो गया। हम लोग जा रहे हैं, हमारे गांव का शेरू है जो कमांडो से रिटायर हो चुका है, कमांडो से रिटायर हो चुका है। और वो अपने बब्बूर काटे वाले बब्बूर पे, बब्बूर का पेड़ है, बब्बूर के पेड़ पे अपने के लिए मचान बनाया है, मतलब सोने के लिए। उसका जो सब जो खेती है, वो आलू की खेती करता है, उसका सारे आलू बंसूरा खा चुके हैं, इसलिए वो बब्बूर पर एक मचान बनाया है, मचान बनाया है। तो हम लोग आज उसका मचान देखने के लिए जा रहे हैं, मचान के हम पहुँचने वाले हैं। काफ़ी देर से चल रहे हैं हम लोग, उसके मचान पर पहुँचने वाले हैं। मचान देखो वहाँ पे है बब्बुल, एकांत पूरा सिवान, पूरा खेत है, पूरा खाली है, उन्हीं का सब है। और इसी जगह रात को रहता है बंदा, बताइए। ठंडी ठंडी इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जो उसका आलू है और सब घेरा हुआ है, वही बंसुरा चल जा रहे हैं, बंसुरा बचाव के लिए मचान बनाया हुआ है। यही मचान शेरू का, इतना ऊंचा है, इतना इधर से सीढ़ी भी लगाया है गाइस। आलोक देख रहा है कैसे चढ़ेंगे हम लोग, देखिए वही ये काम कर सकता है, शेरू चढ़ सकता है, हम लोग के बस का नहीं यार। ट्राई करेंगे गाइस, सरवन देखो कोश साहब जाइए, ट्राई करिए सरवन, जाओ ट्राई करो। पहले यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे, काटा इसे इतना ज़्यादा काटा है ना गाइस, बहुत काफ़ी काटा है। सरवन ट्राई कर रहे हैं, सरवन ट्राई करें उसका सीढ़ी निकाल रहे हैं अभी कैसे। तो चलो सीढ़ी निकाल दिए, पहले सरवन चढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे, लोग चढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट में हम चलो। हेलो जाओ सरवन, देखो गाइस वहाँ पहुँच गया है फैमिली, हम लोग उसी पे आधे रास्ते से चल चुका हूँ, में काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, काटा बस। तो हम लोग भी जाएंगे दिखाएंगे सर, अब लोग चढ़ रहा है, मचान पे चढ़ चुका है सरवन, और लोग भी जा रहा है। अब इसके पीछे हम भी जाएंगे गाइस, हम भी चलते हैं। इतना ऊपर हम भी चढ़ चुके हैं गाइस, देखो इसमें काटा, देखो ये सब काटा है, ये सब काटा कैसे हम यार देखो दिखाते हैं, हम लोग गिर जाएंगे यार, बता दे हम नीचे। देखो गाइस ये सब इतना बड़ा बड़ा काटे हैं, इतना बड़ा बड़ा काटे हैं, ये सब काटे हैं बब्बूर में, इस पर रहता है बंदा। और सरवन लोग चढ़ चुके हैं, हम भी जा रहे हैं, सुतल उसी पे सोता है भाई बंदा हो। तो गाइस हम यहाँ तक आ चुके हैं, और काफ़ी दिक्कत हो रहा है चढ़ने में यार गाइस, काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो हम चलते हैं, हम भी चढ़ते हैं। हेलो कैमरा पकड़ो, हमारा बनाओ, हाँ देखिए आ रहे हैं ब्लॉग। कितने कष्ट से आ रहे हैं, कष्ट बनाया होगा ये, कितना कष्ट से आप लोग, आप सोचिए सोचिए कैसा बनाया, कमांडो की सोच ही ऐसी है, कमांडो की सोच ऐसी है। देखो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, काफ़ी यहाँ से यहाँ कितना झाई भर रहा है, अरे यार गाइस काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग, डाल के एकदम ऊपर तनाव पे आ चुके हैं। यहाँ देखो हम तीन लोग आए, हम लोग देखो यहाँ पे आके बैठे हैं, यहाँ से यार कितना अच्छा लग रहा है, देखो मचान पे, यहाँ से खेती देखो यहाँ पे। आलोक हम लोग इधर इधर सोच रहे हैं कि कोई वीडियो बनाए ना, हम लोग इधर पे गाइस एक दिन वीडियो बनाएंगे आकर, हम लोग का वीडियो इसी से बनेगा, लूडो लूडो वाला वीडियो बनाएंगे हम लोग, लूडो लाड़ नहीं, हम लोग
खरीद पा रहे हैं। हम लोग पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग लूडो खरीद पाए। हम लोग का गन्ना फिनिश हो चुका है, लेकिन बूढ़े का गन्ना चल रहा है। सरवन आई मीन सरवन इनका देखो गन्ना भी चल रहा है। यहाँ से कर उसको चाप रहे हैं, चाप रहे हैं। फेंक दो भाई उसको, फेंकने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सरवन जोगी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग यार दिल पे ना लेना और हमारे ब्लॉग को एंजॉय करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हम ऐसा ऐसा ब्लॉग आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग देंगे हम लोग गाइस। हेलो बता दो आप कैसा ब्लॉग देंगे हम लोग, बहुत ही कॉमेडी टाइप का, ताबड़तोड़ मुस्कुराते रहिए जीवन सभी कठिनाइयों से, अगर कितना भी मुस्कुराते रहिए या सपोर्ट करिए आप लोग। और सरवन आप क्या कहना चाहते हैं, सरवन आप क्या कहना चाहते हैं, फिर ना गन्ना फिनिश होने के बाद जो भी कहेंगे कहेंगे, अब कहेंगे गन्ना फिनिश होने के बाद कुछ कहेंगे तो कहेंगे, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे सरवन। यार यहाँ काफ़ी हवा भी लग रहा है अच्छा से, और फील भी हो रहा है, मतलब घर पे आओ शांति से बैठो यहाँ पे। कभी आप चिड़ियों की आवाज़ गूंजती है, कभी आप लोग भी आओ तो हम लोग इधर पे आपको अपने घर पे घुमाएंगे। पूरे खेत में है ना हम लोग गाइस, पूरे चारों ओर खेत है और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे स्कूल भी है, यहाँ पे सब लोग हैं, नीचे देखो लोग कैसा लग रहा है, उतरने में यार देखो यार इतना ज्यादा कितना अच्छा नजारा है, इतना अच्छा व्यू है खेतों की भी। हम लोग किसान के बेटे, किसान के, और देखो हमारे देखो हमारा खेत वाला जो है ना यहाँ से लेके वहाँ तक मेरा है, और सरवन आलोक देखो उतर गया है कैसे वहाँ उतरा, तो ऐसे बकैया भर रहे हैं सरवन उतरने में गए, बकैया भर रहे देखो उतर गए हैं। कैमरा पकड़ो हम भी उतरेंगे सर, किस सरवन पकड़ो। सो गाइस हम भी देखो उतरते हैं, कैसे उतरते हैं दिखाते हैं आपको। बब्बू धस गया, आएगा धस गया सरवन की, देखिए सरवन की गाड़ी में बब्बू का काटा धस गया, इसको निकालना, डॉक्टर के पास चलेंगे हम लोग अभी। हमारे ब्लॉगर अजीत बता बोल बोल, तो आपको कैसा महसूस रहा काटा धसने के बाद? बोल बे, बोल बोल, बब्बू नहीं तो कौन बे? ऐसा लग रहा है कि मेरे को जानबूझ के धसाया गया है। कौन धसाया है बता, अदन पदन होगा। अबे वो काटा नहीं था गाइस, मेरा चप्पल फट चुका है देखो यहाँ पे, ये लोकल चप्पल था यार, घटा हो गया, मेरा चप्पल फट चुका है यार, यार पुपट हो गया गाइस। चलो चलते हैं, पापा का फोन आ गया है गाइस, हम लोग के पापा का फोन आ गया है, तो लोग बोल रहा कि नहीं अब चलेंगे नहीं जलेबी खाने, अब काम कुछ आ गया है तो हम काम कर लेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे जलेबी या समोसा वोसा खाएंगे। सरवन को भी भूख लगी थी, हमें भी भूख लगी थी, जाने वाले थे लेकिन घर से फ़ोन आ गया है इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में। तो चलिए शेरू का देखो दूसरा मचान, यहाँ से आलू अगरने के लिए खेत में, यहाँ क्योंकि ऊपर है थोड़ा डिस्टेंस है इसके छत का, तो उसका गन्ने का रस निकल रहा है और हम लोग जाएंगे। हम लोग ऊख मांगने वाले थे, बोले से ऊख लेंगे, देखो क्या करते हैं, ऊख मांगते हैं कि नहीं लोग, उनसे ऊख मांगते हैं कि नहीं, चलो हम तो चलते हैं वहाँ देखते हैं वहाँ पे कैसे गन्ने का रस निकल आ जाता है, दिखाते हैं आपको। सो गाइस देखिए यहाँ पे गन्ना का रस निकल रहा है, यहाँ इतना सारा गन्ना है, यहाँ गन्ना लगाया जाता है, यहाँ से गन्ना का जूस रस निकल रहा है और पट्टे से चल रहा है, वहाँ पट्टा है वहाँ पर चल रहा है, गन्ना यहाँ से निकाला जाता है और यहाँ निकल यहाँ से लगाया जाता है, यहाँ निकलता है, ये मशीन है गांव का, गांव में हमारे यहाँ गांव में ऐसे ही गन्ने का रस निकलता है, और मशीन अंदर मोटर है वहाँ से पट्टे से पट्टे से यहाँ पे, इसे मोबिल लगाया जा रहा है, दादाजी मोबिल लगा रहे हैं, और ये लोग हलो खलोक बोले थे रूख लेंगे, देखो क्या करते हैं, रूख लेते हैं कि नहीं लगता है। ये भट्टी पे यहाँ पे यहाँ से धुआँ निकलता है, यहाँ कड़ाह में रस डाला गया, यहाँ से सब लोग आग झोंकते हैं, इसमें से आग झोंकते हैं और आग जाता है, फिर खोलता है इसमें से भेली और गुड़, इसी से चीनी भी बनता है गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, ऊख लोग फिर से ले लिए, मांग ले लें हम लोग, मांग लिए वहाँ से बाबू राम दादा से, और हम देखो साइकिल चलाएंगे, साइकिल ए मोटर साइकिल ब्लॉग करेंगे गाइस। अब हम लोग चलते हैं।